एक्सुअल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया और आज मैं आपको बताऊंगा कि निवेश घृणा किसे कहते हैं और उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि इसका कार्यकारण कैसे होता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा बटन है, उसको प्रेस कीजिए। बगल में घंटी आएगी, ऑल नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कीजिए। और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात कर रहा हूं मैं निवेश गुणक की, बोर्ड पे भी लिखा हुआ मेरा इन निवेश गुणक और इंग्लिश में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है, इसको बताने से पहले इसके बारे में बताना जरूरी है कि यह विचार किसने दिया। तो मल्टीप्लायर या गुणक का जो विचार दिया वो दिया गया जे एम कीन्स के द्वारा, अर्थात जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा गुणक या निवेश गुणक की विधिवत रूप से पहली बार व्याख्या की गई। अब बात आती है कि यह मल्टीप्लायर या निवेश गुणक क्या होता है। तो जो निवेश गुणक है वह आय और निवेश के बीच के संबंध को दर्शाता है, कि निवेश और आय के बीच के संबंध को बतलाता है कि जब कोई व्यक्ति या सरकार अर्थव्यवस्था में पहली बार निवेश करती है, फर्स्ट टाइम निवेश करती है, तो वह राशि अंत में कई गुना बढ़ जाती है, जिसको कि कीन्स ने कहा है गुणक। तो सरल भाषा में समझते हैं कि यदि हम पहली बार निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं किसी फैक्ट्री में, तो कुछ समय पश्चात जो राशि है वह कई गुना अधिक बढ़ जाती है, अर्थात आय बढ़ जाती है जितना कि हमने पहले निवेश किया था उससे कई गुना ज्यादा। इसी को कीन्स ने कहा है निवेश गुणक। तो एक बार पुनः, निवेश गुणक का अर्थ है कि जो राशि प्रारंभ में निवेश की जाती है वह अंत में कई गुना बढ़ जाती है, जिसे कीन्स ने कहा है निवेश गुणक। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं जिससे कि आप आसान भाषा में इसको समझ सके। तो जो गुणक का सूत्र है वह है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। इस प्रकार से यह निवेश गुणक का फॉर्मूला है। के जो अक्षर है इंग्लिश का, यह गुणक का प्रतीक है, मल्टीप्लायर का प्रतीक है, डेल्टा परिवर्तन का प्रतीक है, और वाई जो है आई का प्रतीक है। इसी प्रकार से डेल्टा परिवर्तन का प्रतीक है और जो आई है यह इन्वेस्टमेंट या निवेश का प्रतीक है। इस प्रकार से के इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, यह निवेश गुणक का फॉर्मूला हो गया। अब माना कोई व्यक्ति पहली बार 50 करोड़ रुपया क्या करता है, निवेश करता है या उत्पादन कार्य में लगाता है या कोई फैक्ट्री खोलता है, और यह राशि उस समय पश्चात बढ़कर 150 करोड़ रुपया हो जाती है। तो उसने पैसा लगाया था 50 करोड़ रुपया और अंत में जो उसको इनकम प्राप्त हुई वह हुई 150 करोड़ रुपया। तो यहां पर देखते हैं कि गुणक का मान कितना आता है। तो गुणक का सूत्र हमने ये लिखा है y। तो आय में वृद्धि कितनी हुई, ये आय वृद्धि हुई 150 करोड़ रुपया, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 50 करोड़ रुपया। तो 50 का भाग हम 150 में देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो k है तो k का मान कितना आ गया, 3 आ गया, अर्थात जो गुणक का मान है वह 3 निकल कर आ गया। अर्थात आय में कितनी वृद्धि हुई, 3 गुना वृद्धि हुई, 50 करोड़ लगाए और 3 गुना बढ़ गई राशि, अर्थात 150 करोड़ रुपए की राशि उसको अंत में प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ये हुआ गुणक। अब हम गुणक किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में कार्य करता है, क्योंकि राशि आज ही निवेश की, आज ही हमने उत्पादन कार्य में लगाई या फैक्ट्री खोली, तो ऐसा नहीं है कि आज ही वह राशि हमने लगाई और वह दूसरे दिन या तीसरे दिन क्या हो गई, डबल हो गई या फिर क्या हो गई, ट्रिपल हो गई। तो हमेशा देखिए गुणक का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, आय उतना ही बढ़ेगी। यहां पे देखिए गुणक का
मान निकला तीन, तो राशि तीन गुना बढ़ी। यदि गुणक का मान चार होगा पांच होगा तो राशि में भी उतना ही गुणा क्या होगी, ज्यादा वृद्धि होगी। तो इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कोई राशि यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की जाती है तो कई राउंडों के बाद, कई चक्रों के बाद या कई सालों के बाद वह कई गुना बढ़ जाती है। तो वह कैसे बढ़ती है, तो गुणा कैसे कार्यकरण करता है, इसको कीन्स ने बहुत ही बारीकी से समझाया है, तो इसी को मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस प्रकार से देखिए, पहले क्वेश्चन लेते हैं कि देखिए क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में कोई सरकार क्या करती है, 2000 करोड़ रुपये क्या करती है, निवेश करती है। ठीक है, निवेश करती है, उत्पादन कार्यों में लगाती, चाहे वो सड़क बनाती है, ठीक है, या ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम चलाती है, या कोई फैक्ट्री खोलती है, या टेली कम्युनिकेशन में कहीं भी खर्च करती है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे हो गया, और एमपीसी का जो मान है वह है 1/2, या इसको कह सकते हैं यह है 0.5। ये क्वेश्चन है। तो जो गुणक का मान है, ठीक है, वह एमपीसी पर निर्भर करता है। किन्स ने कहा एमपीसी का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो गुणक का मान भी उतना ही अधिक होगा, अर्थात राशि उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो एमपीसी जो है किन्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात एमपीसी का जो मान होता है वह 0 से अधिक और 1 से कम होता है। एमपीसी किसे कहते हैं, एमपीसी का फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, और इस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, और ऊपर अर्थात मेरे सिर के ऊपर आई बटन आ रहा है, यहां पर आप क्लिक करके सीधे उस वीडियो पर भी पहुंच सकते हैं, और उसको जब समझ जाएंगे तो इसको आप और भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो एमपीसी का मान हो गया 1/2 या 0.5, और राशि निवेश की जा रही है 2000 करोड़ रुपए किसी अर्थव्यवस्था में। अब इसको इस टेबल पर लेते हैं, इस टेबल पे आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पांच क्या कर देंगे, कॉलम तैयार कर लेंगे। पहले में लिखेंगे चक्र, क्योंकि जो 2000 करोड़ रुपए की राशि है वही कई चक्रों से गुजरेगी, अर्थात कई सालों में गुजरेगी, और उसके बाद क्या होगा, वह राशि कितना बढ़ेगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, जिस प्रकार से एमपीसी का मान है। तो यहां पर 2 गुना कैसे बढ़ेगी, इसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, लेकिन आप पहले ये कॉलम क्या हो जाएंगे, हमारे तैयार हो जाएंगे। पहला कॉलम में आएगा निवेश में वृद्धि, डेल्टा आई, अर्थात निवेश आई फॉर होता है इन्वेस्टमेंट, वाई फॉर है यहाँ पे इनकम का, सी फॉर है कंजम्पशन का, और एस फॉर है सेविंग का। तो इस प्रकार से निवेश में वृद्धि का बनेगा, आय में वृद्धि का बनेगा, उपभोग में वृद्धि का बनेगा, और बचत में वृद्धि का बनेगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, राउंड कहेंगे, इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंट इन इनकम, इंक्रीमेंट इन कंजम्पशन, इंक्रीमेंट इन सेविंग। तो इस प्रकार से हमारे ये कॉलम क्या हो जाएंगे, तैयार होंगे। यहां पर हम एक लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 राउंड इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब इसके बाद देखें, 0 पहला चक्र है, 0 मतलब 0 मीन्स नथिंग, तो जब किसी भी प्रकार की आय क्या होगी, अर्थव्यवस्था में नहीं लगाई जाएगी, तो क्या होगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, ये भी शून्य होगा, ये भी शून्य होगा, और ये भी शून्य होगा, ये भी शून्य होगा। ठीक है, अब बात आती है पहले राउंड की कि सरकार क्या करती है, 2000 करोड़ रुपए क्या करती है, निवेश करती है। तो यहां पर लिखेंगे हम 2000, ठीक है, तो सीधे 2000 अर्थव्यवस्था में जाएगा, तो सीधे क्या करेगा, आय में वृद्धि करेगा केन्स के अनुसार, कि जैसे ही पैसा सरकार ने लगाया तो सीधे क्या करेगा, लोगों के पास जाएगा, और उनकी सीधी इनकम कितनी बढ़ेगी, 2000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी, इसलिए 2000 आप यहां पे उतारेंगे। ठीक है, अब 2000 उपभोग में कितनी वृद्धि होगी, एमपीसी का मान है 1/2, अर्थात आधा, तो आधा क्या करेंगे, आधा जाएगा उपभोग में 2000 का, अर्थात 1000 जाएगा उपभोग वृद्धि में, और इस 2000 का आधा कहा जाएगा, बचत में चला जाएगा। ठीक, फिर उपभोग में वृद्धि का ये जो 1000 है वो आय में वृद्धि करेगा, यहां आएगा,
ये उतर के यहाँ आएगा, और जब ये आय में वृद्धि होगी लोगों की तो उसका आधा भाग क्या करेंगे, उपभोग में वृद्धि करेगा, अर्थात 500 यहाँ खर्च होगा और 500 रुपए यहाँ बचा लिया जाएगा। फिर ये 500 रुपए आय में वृद्धि करेगा, यहाँ आएगा, ठीक है। फिर इस आय में जो लोगों की आय बढ़ी उसमें से क्या होगा, 250 करोड़ और 250 करोड़ बचत कर ली जाएगी, अर्थात 250 का उपभोग वृद्धि करेगा और 250 क्या करेगा, बचत कर लेगा। इसी प्रकार से ये 250 फिर यहाँ उतरेगा, आय में वृद्धि करेगा, उसके बाद 125 इसका आधा और 125 इसका आधा, अर्थात ये बचत में चला जाएगा, ये उपभोग में चला जाएगा। उसके बाद फिर पुनः ये यहाँ आएगा, 125 यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका ठीक आधा जो है यहाँ लगेगा, तो यहाँ लगेगा 62.5 करोड़ और 62.5 करोड़। और इसी प्रकार से ये राउंड जो है आगे भी चलते रहेंगे, और इस प्रकार से ये जो राउंड चले हमारे 6 तक दिखा रखा हमारा, आगे भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने राउंड में ही कोई राशि एकदम से डबल हो जाए, ज्यादा समय भी लग सकता है, ज्यादा साल भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार से पहुंचते पहुंचते जो ये राशि है जो प्रारंभ में निवेश की गई थी 2000 करोड़ रुपए की, वह अंत में बढ़कर कहां हो जाएगी, 4000 करोड़ रुपए हो जाएगी, और जो उपभोग में वृद्धि होगी वो होगी 2000, और जो बचत में वृद्धि होगी वो होगी 2000। तो इस प्रकार से 2000 यहां चला गया, 2000 यहां चला गया, इनकम में टोटल वृद्धि कितनी हुई, 4000, जबकि निवेश कितना किया गया था प्रारंभ में 2000। तो इस प्रकार से गुणक का मान यहां पर कितना आएगा इसको भी समझ लेते हैं कि इसी सूत्र के अनुसार, ठीक है। राशि जो है कितनी बड़ी, इतनी, ठीक है। प्रारंभ में कितनी राशि लगाई गई थी, इतनी, ठीक है। अब इसका भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 0 से 0 कटा 0 से 0 कटा 0 से 4। तो इस प्रकार से यहां पर गुणक का मान क्या हो गया, 2 हो गया। इसीलिए जो राशि गुणक का मान 2 होने पर 2 × 4000 करोड़ रुपए बढ़ी, और यदि गुणक का मान ज्यादा होता तो राशि क्या होती, और ज्यादा बढ़ती। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, एमपीसी का जो मान है 1/2 है या आधा है, तो इस प्रकार से विभिन्न चक्रों में जो राशि है वह किस प्रकार से चलती गई है, और अंत में 2000 जो पहला निवेश किया, अर्थात सरकार ने लगाया था 2000 और उसको मिला अंत में 4000 करोड़ रुपया। अब इसको हम समझ लेते हैं और भी आसान शब्दों में, यदि आपको बनाना है, ये तो आपको समझाया गया, लेकिन आपने क्या करना है कि 2000 आपने यहां लिखा, 2000 यहां पे लिख लेंगे, पहले एमपीसी का मान देखना पड़ेगा, यहां पर हमारा 1/2 दे रखा, हो सकता है कम भी हो सकता है, 1/3 होगा, तो उस हिसाब से उसको लेना पड़ेगा। तो 1/2 का आधा होता है, तो यहां पे लिखा आधा उपभोग में चला जाएगा और आधा यहां चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, यहां उतारेंगे और फिर यहां, फिर इस प्रकार से यहां यहां, ठीक है, यहां 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 यहां, ठीक है। फिर इसी प्रकार से राउंड क्या होगा, आगे चलता जाएगा, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे, ठीक। और इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे। इस प्रकार से ये समझाया मैंने आपको गुणक का कार्यकरण, और पहले बताई गुणक की परिभाषा, और साथ में बताया कि जो गुणक का जो विचार है किसने दिया, ये जो गुणक का विचार है यह J.M. कीन्स के द्वारा दिया गया, जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया, और अर्थशास्त्र के अंदर यह गुणक का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थोड़ा इसको भी समझा लेते हैं कि आप समझ रहे होंगे कि आय में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि और बचत में वृद्धि ये किस प्रकार से हो रही है। देखिए, आय में वृद्धि 2000 है, ठीक है, उपभोग में वृद्धि, अब यहां पर जिन्होंने इनकम कमाई, ठीक है, इनकम मिली कितनी, 2000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए का क्या हो गया, उपभोग वस्तुओं पे खर्च कर लिया लोगों ने, ठीक है, और 1000 इसमें से क्या कर लिया, बचा लिया, जो हमारा व्यय होता है वो दूसरे की आय बन जाती है। माना बात, मैं 1,00,000 रुपए का बाजार से सामान उठाता हूं, तो मेरा 1,00,000 रुपए
दूसरे के पास पहुंच जाता है, तो मेरा जो खर्चा है वो दूसरे की क्या बन जाती है, आय बन जाती है। तो यहां पर देखिए कि खर्चा किया उपभोग पर तो वो क्या हो गई, वो दूसरे की आय बन गई। ठीक है, फिर वही आय क्या हुई, फिर प्राप्त हुई अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार के लोगों को। ठीक है, और उसमें से आधा यहां लगा दिया, आधा फिर खर्च कर दिया और आधा क्या कर दिया, बचा दिया। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जो उपभोग पर खर्च हम करते हैं, अपना जो धन हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर खर्च करते हैं, वह खर्चा हमारा दूसरे की आय बन जाता है। तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो इनकम है वह जनरेट होती रहती है।